हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू गेम का मॉडिफिकेशन लेके आया हूँ, क्रिकेट लीग मॉडिफिकेशन, जिसमें आपको मिलेंगे अनलिमिटेड कॉइन जेम्स। ये गेम भी कैरम पूल वाली कंपनी मिनी क्लिप का है एंड इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी पहले आई थी एंड फाइनली मैंने ये मोड रेडी कर लिया है। मॉडिफिकेशन सिंपल है, आपको ओल्ड वर्जन डिलीट करके ये मॉडिफिकेशन इंस्टॉल कर लेना है आप एंड अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आपको इसमें अनलिमिटेड कॉइन जेम्स मिल जाएंगे, जिनसे आप प्लेयर्स पैक्स पैड्स एंड बॉल्स खरीद सकते हो। वीडियो के अंदर आपको इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडिंग प्रोसेस मिल जाएगा, जिसे आपको फॉलो करना है मॉडिफिकेशन प्ले करने के लिए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना एंड न्यू मॉडिफिकेशन किस गेम पे चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। गेम में आप न्यू आईडी भी क्रिएट करके खेल सकते हो, जिसमें आपको एक मैच खेलने के बाद अनलिमिटेड कॉइन जेम्स मिल जाएंगे, नहीं तो ओल्ड अकाउंट लॉगिन करते ही अनलिमिटेड कॉइन जेम्स मिल जाएंगे। गेम को अपडेट आपको सिर्फ मेरी वीडियो से ही करना है एंड प्ले स्टोर से अपडेट नहीं करना है। एंड अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी वीडियो एकदम टाइम पर डिलीवर होगी। ओके, सो अब हम देखेंगे कि आपको मॉडिफिकेशन को इंस्टॉल और प्ले कैसे करना है। तो मॉडिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसका नाम है ज़ेड आर्काइवर। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसकी लिंक डायरेक्ट प्ले स्टोर की आपको मेरे ब्लॉग पर भी मिल रही होगी, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन की नीड रहेगी उस 7Z फाइल को एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करने में। तो आप इसके अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो जो एक 7Z फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सके। अगर आपके पहले से फ़ोन में सॉफ्टवेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज़ेड आर्काइवर आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको अपना जो मॉडिफिकेशन है उसे लोकेट करना है, अपने कहाँ पे रखा गया उसे, तो वो आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव होगा जब आप उसे डाउनलोड करेंगे। मैंने इसे एक अलग फोल्डर में रख रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये रहा क्रिकेट लीग मॉडिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नीड पे क्लिक करना है अगर आपको इसे सेम फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है तो। लेकिन अगर आपने डाउनलोड के फोल्डर में किया और डाउनलोड के फोल्डर के बाहर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप इस फोर्थ नंबर के एक्सट्रैक्ट को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट कहीं बाहर होगा जहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे। मैंने अलग फोल्डर रख रखा है, अलग से दिखेगा यहाँ पे तो बेटर रहेगा, इसलिए मैंने एक्सट्रैक्ट नीड पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास एक APK फाइल आएगा जो उस फाइल से बड़ा होगा, क्योंकि वो कंप्रेस्ड फाइल थी। तो इस APK पे आपको क्लिक करना है और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन ये करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पुराना क्रिकेट लीग का मॉडिफिकेशन है आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है यहाँ से, क्योंकि जब पुराना जो सिंपल आपको APK है वो से ही जब आप अनइंस्टॉल करोगे तभी आपका न्यू मॉडिफिकेशन इंस्टॉल होगा, नहीं तो फिर वो आपके ऐप नॉट इंस्टॉल की प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो वैसे अपडेट करने का ऑप्शन होता है कि मतलब पुराने इस APK के ऊपर ही अपडेट हो जाए, लेकिन इस केस में वो ज़्यादातर वर्क नहीं करता, ऐप नॉट इंस्टॉल की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इसे अनइंस्टॉल करने के बाद ही न्यू वाला इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको जस्ट इसे इंस्टॉल पर क्लिक करना है, फिर आपको परमिशन देनी है, फिर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है आपके जो डाउनलोड होगा फाइल, वो डाउनलोड होने देनी है। उसके बाद आपको जो है अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, चाहे आप एक न्यू आईडी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपनी पुरानी आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, गेस्ट अकाउंट बना रखा है और गेस्ट अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत इसमें गेम प्ले खेला था,
उसके साथ ही आप ऊपर कॉइन्स और जेम्स को देख सकते हो, दोनों के दोनों अनलिमिटेड हैं, जिनसे आप जितना भी स्पेंड करना चाहे शॉप के अंदर कर सकते हैं, और इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे इसमें ऐड करो आप, चाहे इसको यूज़ करो, तो इनकी वैल्यू अनलिमिटेड इतनी रहती है। बाकी एक चीज़ का ध्यान ये रहे कि अगर आपको अनलिमिटेड कॉइन जेम्स नहीं दिख रहे हैं, तो सिंपली आपको अगर न्यू आईडी है तो एक मैच खेलना है, ओल्ड आईडी में भी अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैच खेल के ट्राई करना, नहीं तो फिर आपको वापस इंस्टॉल या फिर वापस अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप शॉप में जाके कुछ भी परचेज कर सकते हैं। साथ आप इस मोडीपीके में कुछ भी बाय कर सकते हो, इसके साथ ना तो आपके कॉइन्स जेम्स ख़त्म होंगे, ना ही आपकी आईडी बैन होगी। इसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस मोडीपीके को एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ अब आगे वीडियो में आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस मिल रहा होगा, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है इस मोडीपीके को डाउनलोड करने के लिए। बाकी डाउनलोड प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाके खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं बिना डाउनलोडिंग प्रोसेस को देखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, साथ ही में नेक्स्ट न्यू मोड के जिस मोड पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब डाउनलोडिंग प्रोसेस देखते हैं। आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है आपको उसे ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा, आपको ऊपर ही दिख रहा होगा जूबो मोड एबीके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पोस्ट टॉप पे ना दिखे तो आप इस पोस्ट को पूरे ब्लॉग पे ढूंढ सकते हैं, या फिर आप सर्च आइकन पे जाके आप इसे सर्च भी कर सकते हैं जूबा के नाम से, तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको जूबा मोड एबीके लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ये दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे भी आपको जूबा का सेम पोस्ट मिलेगा, और नहीं तो आपको ऊपर सर्च आइकन दे रखा है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये वापस खोल लेना है। खोलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा पोस्ट मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जूबा मोड एपीके क्लिक हियर। और उसके बाद आपको यहाँ पे ज़ेरा काइवर का लिंक भी देखा है, तो आप ज़ेरा काइवर एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जूबा मोड एपीके डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक टाइमर आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, आपको इतने सेकंड्स वेट करना है, और फिर जो स्टेप्स करना है वो आपको ये टाइमर ख़त्म होने के बाद बताऊँगा। टाइमर पूरा होने के बाद आपके पास एक वेरीफाई का बटन आएगा, आपको इस वेरीफाई पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको मिलेगा एक कंटिन्यू का बटन, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर कोई ऐसा ऐड आए तो आप हटा देना। उसके बाद आपके पास ये टाइमर वापस आएगा और आपको यही स्टेप दो बार और करने हैं।
तो अभी हम फाइनल स्टेप पे पहुंच गए हैं। फाइनल आपको यहाँ पे लास्ट बार ये टाइमर पूरा होने के बाद वेरीफाई और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको लास्ट 5 सेकंड्स वेट करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे गेट लिंक का बटन आ जाएगा। आपको इस गेट लिंक पे क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जूबा का मोड EPK, जिसे आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऊपर इस आइकन पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं।